उत्तर प्रदेश पोखरा निकट में घटी रेल दुर्घटना मृत्यु संख्या 130 टपिले दुर्घटन आहत होता 200 रु अधिक यात्री एवं विभिन्न हस्पिटाल चिकित्साधीन अच्छा गतकाली कानपुर निकट पोखरा ठारे भोर तीन टा बेले इंदोर पटना एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होता ट्रेन 14 बगी लाइनच्युत हो बड़धरण दुर्घटना घटी जात्री माने निदरे सोइथिबारु दुर्घटना अधिक भयावह होता दुर्घटनाग्रस्त बगी मध्य रही 4 एसी 6 स्लीपर और 2 जनरल बगी रेलमंत्री सुरेश प्रभु दुर्घटनार तदंत निर्देश देते जो दायी रहिबे सेमानक विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण प्रभु कहते सेपटे रेल राष्ट्रमंत्री मनोज सिन्हा घटनास्थल को जा स्थिति अनुधान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मृतकों पर 2 लाख और आहत को 50,000 टंका सहायता राशि घोषणा करपटे गत 6 वर्ष भितर यह देशर सबुठ बड़ रेल दुर्घटना कहपूर्व गत 2010 मे 28 पश्चिमबंगर पश्चिम मेदनापुर जिले में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होवर 148 जन मृत्यु होता दुर्भाग्य से तो बहुत बड़ा हादसा कानपुर के नजदीक हुआ है। उसके बारे में उच्च स्तरीय जांच करने का निर्देश मैंने फौरन दे दिया है। वो जांच चल रही है, उसके बाद में जो भी कार्रवाई की जाएगी वो करने की आवश्यकता को हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी जरूरत है कि जो भी मरीज है, जो भी इंजर्ड है, उनकी मदद करना। इसके लिए हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चालू कर दिया है। पूरे देश से जहां जहां भी संभव होता है, नजदीक से लगभग सभी हमारे जितने रिसोर्सेज थे उसको पूरी मात्रा में मोबिलाइज किया है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज दिल्ली से भेजे गए हैं, आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल दिल्ली से भेजे गए हैं।